फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर टूल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसे मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट। आप फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग की गई है, जो कि इसमें अल्जीरियन फॉन्ट यूज़ किया गया है। फॉन्ट की साइज़ 18 है और फॉन्ट का कलर रेड है और इसे येलो कलर से हाईलाइट किया गया है और टेक्स्ट का अलाइनमेंट जस्टिफाई है। और मैं चाहता हूँ मेरा जो नीचे वाला पैराग्राफ है, सेम टू सेम सारी चीज़ें, चाहे वो फॉन्ट हो, फॉन्ट की साइज़ हो, फॉन्ट का कलर हो, हाईलाइट कलर हो और टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो, सब कुछ एक ही बार में सेम टू सेम उसकी तरह हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं फॉर्म प्रिंटर टूल का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, इस टूल की एक खासियत है कि इससे हमारा टाइम सेव होता है। अगर मैं अलग अलग इन सब सारी चीज़ों को अप्लाई करूँगा तो इससे मुझे पहले फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, फिर फॉन्ट साइज़ चेंज करनी पड़ेगी, फिर फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट हाईलाइटर यूज़ करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट का अलाइनमेंट मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ सारी चीज़ों से बचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ही बार में एक टूल की हेल्प से ही सारी चीज़ें हो जाए, तो इसके लिए मैं फॉर्मेट प्रिंटर टूल की हेल्प लूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जिस टेक्स्ट की तरह मैं दूसरे टेक्स्ट को करना चाहता हूँ, पहले मैं ऊपर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे इसकी तरह करना है नीचे वाला पैराग्राफ। अब उसके बाद मैं फॉर्मेट प्रिंटर टूल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जहाँ पे चाहिए मुझे वहाँ माउस पे ले जाता हूँ और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करता हूँ और होल्ड किया रहना है। फ्रेंड्स, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ होल्ड किया रहना, छोड़ना नहीं माउस का लेफ्ट बटन। सपोज मुझे यहाँ तक चाहिए, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए आप छोड़ते ही जो है मेरा जो दूसरा वाला टेक्स्ट जिसकी फॉर्मेटिंग है, उसकी फॉर्मेटिंग भी हूबहू सेम टू सेम ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह होगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।